हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सुबह हो गई है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए दाल, अच्छा दाल हो गया है, आलू इसमें डाल दिए, आलू भी हो गया, तो आलू का छिलका निकाल रहे हैं। बच्चे हमारे चले गए हैं स्कूल, और सुबह इतनी जल्दी जल्दी भागम भाग रहती है कि चाय नहीं बना पाते हैं, और चाय बना रहे हैं। और इधर बन गया है मेरा चाय, लेकर आ गए हैं चाय, धूप ले रहे हैं और चाय भी और इन्जॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, आप पीकर आए तो देखें तो पता नहीं कैसे ये धान है का बोरी है तो पूरा नीचे गिर गया है। एक काम ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा काम तैयार हो जाता है, यही हाउस वाइफ की एक ज़िंदगी है। देखिए अब गाँव में की ये ज़िंदगी है, जो गाँव में नहीं रहते हैं तो देख लीजिए गाँव की क्या काम होता है क्या नहीं होता है। ये हमारे ननद के लड़के हैं और हम हमें दोनों खाना खा रहे हैं कि इनको उनसे पूछें खाना खाएंगे बाबू तो करें कि हाँ खाएंगे, और कितने प्यार से हमारे संग बैठकर खा रहे हैं। ये कल और जिस दिन वार्षिक सम्मेलन था उसी दिन आए थे, और देखिए इनका वो ये बातें भी कर रहे हैं कि स्कूल जाते हैं कि नहीं, तो भी बात इतनी हो रही है, खाना भी खा रहे। इधर मेरा बाबू आ गया है स्कूल से कपड़ा पहनकर, तो नीचे जा रहे थे कह रहे हैं कि ड्रेस भी ले जाओ अपना, नहीं तो इसी छत पर भूल जाते हैं तो शीत के वजह से भीग जाता है। इधर मेरे बच्चे खाना खा लिए हैं खाकर, और समय हो रहा है 2 बज गया है, बच्चों को खाना दे दिए हैं खाकर, फिर 3 बजे से चले जाते हैं ट्यूशन करने। तब बर्तन याद हो रहे हैं, और सुबह जो जूठा बर्तन था वो धो लिए थे, सिर्फ ये कुकर और दाल वाला तसली था वही नहीं धोए थे, उसी को धोना है। धोकर और जो मेरा सारा गोईठा फैला हुआ है उसे चलते हैं समेट कर और एक जगह रख देंगे। देखिए बर्तन धोकर झाड़ू लगा दिए हैं, पूरा साफ हो गया है। इधर जो मेरा गोईठा है वो पूरा रख रहे हैं एक पर एक, देखिए कैसे गोईठे को इसी कंडे भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसे गोईठा ही कहते हैं गांव में बोलते हैं। इसी को एक पर एक सरिया कर अच्छे तरीके से रखा जाता है, क्योंकि ये इसे एक पर एक जोड़ा जाता है नहीं तो ये गिर जाता है। और देखिए मेरे आधा लग गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है, इसे भी चलते हैं। पूरा सूख गया, थोड़ा थोड़ा अंदर का जो है नहीं सूखा है, इसलिए एक साइड लगा दे रहे हैं। एक इधर लगाए हैं जो पहले का था मेरा, देखे होंगे वीडियो में, तो सूख गया तो अलग लगा दिए, नहीं तो अगर ये भी पूरा सूखा होता तो एक ही पर एक सब लगा देते हैं। किस किस को पसंद है ये सब काम करना कमेंट कर ज़रूर बताइए, हमको तो अच्छा लगता है ये सब, क्या करें आदत भी हो गई है। आपको गांव में है तो ये सब करना ही रहेगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए गांव की रियल लाइफ ज़िंदगी ये है हम लोगों की, गांव की हाउसवाइफ की, क्योंकि शहर के हम लोग मॉडल बहू तो है नहीं, गांव में की हैं साधारण सिंपल सा मिडिल क्लास की बहू। हम लोग गांव में रहेंगे तो ये सब करना ही पड़ेगा, जिसके घर और कोई रहेंगे तो कर लेते हैं, मगर हमारे यहाँ हम ही सब करते हैं, जो भी काम है मेरा घर का बाहर का सब हम ही करते हैं। मगर खेत नहीं जाते हैं, खेत जाते हैं तो खेत का भी काम दिखाते हैं, मगर खेत जब काम रहता है तो निधि को भेज देते हैं, वह जाकर कोई भी काम कर लेती है। इधर देखिए मेरा गोईठा उठा सब रख दिए हैं, और ये देखिए पौधा है जो इसमें, ये छोटा सा पौधा है, इसमें इतना सुंदर सा फल लगा है, वो भी टमाटर का छोटा छोटा, इसमें भी पानी डालकर, क्योंकि हमको पौधा और जो पेड़ पौधों लगाने का बहुत शौक़ रहता है। मैं क्या करें, मेरे जो पीछे है उसमें जगह ही नहीं है, ये तो बहुत सारे हम पौधे लगा देते हैं। इस बार मिट्टी खेत से मंगाएंगे और बहुत सारे अधिक पौधे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लगाए हैं कितने छोटे छोटे, 2 टमाटर का फर लिए हैं, ये फूल है, और इसी में मिट्टी में ये प्याज था संडा वाला गाड़ दिए थे, जो प्याज निकल आया था उसमें। यहाँ पर देखिए वह है, ये छोटा वाला नींबू है, वो बेल
बेल बोलते हैं जो शरबत बनता है वह वाला। यहाँ पर एलोवेरा का पौधा है, वो भी अपनी मायके से लाए हैं, देखिए अब कितने छोटे छोटे हो गई है। और आ गए हम छत पर, पूरा काम मेरा फिनिश हो गया, सिर्फ खाना बनाना है। और इधर देखिए ये सारा कपड़ा है, इसे उतारते हैं। इधर देखिए मेरा गोइठा है, पूरा एक जगह रखते हैं, सरिया दिए हैं। चलते हैं कपड़ा पहले उतार कर तब खाना बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आलू और टमाटर का सब्जी बनाएंगे। देखिए कितना दम पूरा शाम हो गया है, मतलब 5 बज रहा है, धूप भी कम हो गई है। चलिए कपड़ा पहले उतार लेते हैं, तब मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड देखिए 5 बज रहा है, और देखिए कपड़ा मेरा 1 बजे के करीब जो धोए थे ये सूखा नहीं है, जो हल्का फुल्का है वो सूखा है, उसे चलते हैं उतार देते हैं, क्योंकि मोटा मोटा जींस है वो सूखा नहीं है। अगर पहले धो देते हैं तो सूख जाता है, और देखिए आज बहुत लेट धोए हैं इसलिए सूखा नहीं है। ऐसे इसी पर छोड़ देंगे, जब सूख जाएगा तो कल सुबह उतारेंगे। ये देखिए चादर है तो ये सूख गया है, तो इसे उतार देते हैं, नहीं तो ये शीत में रहता है तो भींग जाता है। इधर कपड़ा सब में उतार कर जो सूखा है उसे रख दिए हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए मोटा मोटा कपड़ा है, नहीं सूखा है, क्योंकि 1 बजे धोए 12 बजे धोए थे, 1 घंटा लग गया था धोने में, आज सूखा नहीं है। जो सूखा था हल्का कपड़ा था उसे उतार दिए हैं, देख लीजिए। चलते हैं खाना बनाते हैं। सो फ्रेंड्स शाम हो गई है, हम जा रहे हैं खाना बनाने। खाना में आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आलू टमाटर मिर्च लाए हैं और गोभी भी नहीं लाए हैं, तो आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक सब्ज़ी भी बनाए थे, बहुत कम मसाला मिर्च डाले थे, मगर बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और जो नया आलू आता है खेत का, तो देखिए कितना आसानी से ये छिलका उतर जाता है। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाए।